point 5. हमारे पास है हाइट, एज इज इक्वल टू 6 मीटर, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट 1.5 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द साइक्लिस्ट 40 kg. To find potential energy and kinetic energy. Formula: potential energy is equal to mgh and kinetic energy is equal to 1/2 mv². Solution: potential energy is equal to mgh. Mass हमारे पास है, h भी है और g की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 10 m/s². सो g इज इक्वल टू 10 m/s². 40 × 10 × 6 आंसर आपके पास आ जाएगा 2400 joule पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv². 1/2 मास 40, वेलोसिटी 1.5 स्क्वायर. दिस विल बी कैंसिल विद दिस 20. 1.5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2.25 एंड इट्स आंसर विल बी 45 joule. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 45 joule. इसी तरह से आपने इसका रिजल्ट राइट कर लेना है. एट द एंड रिजल्ट है इसका 45 joule and its potential energy is 2400 joules. आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसको वन टाइम आपने राइट भी करना है अपने रजिस्टर्स पे. थैंक यू. Power is equal to weight multiply work done divided by time. Work done is equal to force multiply displacement. F multiply S divided by time. So velocity is equal to distance displacement divided by time. F multiply S divided by T. F multiply V. So my pass force hai 4000 newton. Velocity hai 416,000 फोर्स न्यूटन और ये इस तरह से हमारे पास पावर का बनेगा वाट. सो पावर इज इक्वल टू 16 kW. रिजल्ट है इसका द पावर ऑफ द बोट इज 16 kW. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपका वर्क डन का, फॉर्मूला अप्लाई करना है और वेलोसिटी आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को आपने इस तरह से ड्राइव कर लेना है. इसका फॉर्मूला डेट फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी आ जाएगा. उसके बाद है हमारे पास 6.7. में है अ मैन पुल्ड फोर्स थ्री हंड्रेड न्यूटन
height a, sorry, not height, displacement 50 meter in 60 seconds. मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास आएगा 250 वॉट और डिवाइड करेंगे इसको 60 से. सो पावर ऑफ द मैन इज 250 वॉट. इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 6.8. केजी मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स. फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर अ हाइट. इस तरह से स्टेयर्स है और एक पर्सन जो है वो इन स्टेयर्स पे जा रहा है. अच्छा, अब जो है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 25 और हर स्टेप का जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर. हर स्टेप की हाइट है 16 सेंटीमीटर और उसको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड का. आपने फाइंड आउट करनी है पावर. सो गिवन डाटा में आएगा सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स 25, हाइट ऑफ ईच स्टेप 16, टोटल हाइट है हमारे पास 4 मीटर. उसके बाद हमारे पास है मास 50 केजी और टाइम 20 सेकेंड्स. टू फाइंड पावर फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. सॉल्यूशन, वेट एंड वेट इज इक्वल टू एम जी, एस की जगह पे हम हाइट अप्लाई करेंगे और हमारे पास है टाइम. सो पावर इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम. 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 20. को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 100 वॉट. द पावर रिजल्ट है द पावर ऑफ द मैन इज 100 वॉट. इसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर
6.9 Very important, Manikar. Calculate the power of the pump which can lift 200 kilogram of water through a height of 6 meter in 10 seconds. So given data mein hamare paas hai mass 200 kg, height 6 meter, time 10 seconds. To find power formula, power is equal to work done divided by डायरेक्ट हमारे पास वर्क डन नहीं है तो वर्क डन को हम पहले फॉर्मूला ओपन करेंगे एफ मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू एम जी एंड एस की जगह पे एच अप्लाई करेंगे सो पावर इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम 200 10 6 10 1200 watt. Result. The power of the pump is 1200 watt. This is very important numerical. आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है सारे न्यूमेरिकल्स की और इनको राइट भी करना है आपने थैंक यू